इतना मज़ा आ रहा है ना बाइक पे जाने में, आप लोग देख सकते हो कि हस्बैंड की जैकेट थोड़ी सी भीग गई है और मेरी ओढ़नी भी सारी भीग गई है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है बाइक पे जाने में। मुझे बहुत टाइम से ख्वाहिश थी कि कोई लॉन्ग ड्राइव पर और बाइक पर जाए, क्योंकि हमेशा कार में जाते हैं ना, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। ये देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा वेदर है और ग्रीनरी तो इतनी प्यारी लग रही है, और थोड़ी थोड़ी सी सर्दी भी हो रही है अभी तो, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। कुछ देर बारिश बहुत ज़्यादा मिल जा रही है और कुछ कुछ जगहों पे बारिश कम हो जा रही है, कंटिन्यूसली बारिश नहीं मिल रही है हम लोग को, और ये भी बहुत झिमझिम सी बारिश है, ज़्यादा वो नहीं है। हम लोग बहुत लॉन्ग निकले हैं ना, अभी हम लोग यहाँ पर चाय पीने के लिए रुक गए हैं। चाय बहुत मज़े होती है माशाल्लाह, बहुत अच्छी चाय बनाए हैं। और ये देखिए हम लोग नियर पहुंच गए हैं, और ये है सारे कच्चा रास्ता है जो कि फार्म हाउस को जाता है। हम लोग यहाँ आए हैं फार्म हाउस के लिए, और ये मेरे भाई के आखिरी जुमागी है जो कि हम लोग फार्म हाउस में रखे। ये देखिए बस पहुँच गई है और सारा सामान निकाल रहे हैं बस में से। ये है द क्विस्ट एवेन्यू फार्म हाउस जहाँ पर हम लोग को आना था, तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं। पूरा जंगल घूम के आ रहा, सब लोग यहाँ पर सामान निकाल रहे हैं और सब देख रहे हैं कि कैसा है फार्म हाउस। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है फार्म हाउस बहुत, लेकिन जैसे हम लोग को पुल थोड़ा बड़ा वाला चाहिए था, जो कि इसका पुल थोड़ा सा छोटा है, ज़्यादा बड़ा वाला नहीं है। अरफान अलीक सब ये देख रहे हैं, पुल थोड़ा सा छोटा है, फिर भी लेंथ में अच्छा है, लेकिन थोड़ा चौड़ाई में थोड़ा सा कम है। और बच्चे परेशान हो रहे हैं कि हम कैसे एंजॉय करना है, इतना छोटा दिख रहा है ये। उछल भी नहीं सकते तुम, उधर से टमाटर लग जाते। ये है अंदर का व्यू जो कि बेडरूम है यहाँ पर, और इसके साथ में एक हॉल है, और इसके बाहर में जो है फुल है। और देखिए आते ही लोग बैडमिंटन भी शुरू हो गई है खेलना, छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर आकर, क्योंकि सबको बहुत मज़ा आ रहा है। और जो हमने सोचा था कि जिस तरह से वो जाएंगे तो सब एंजॉय करेंगे बोलकर, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग बहुत खुश हो गए हैं यहाँ आके, और सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। देख सकते हो ये सिस्टर लोग झूल रहे हैं झूला, सब आते ही शुरू हो गए हैं कि झूला झूलने लग गए हैं सब, और लोग बॉयज़ खेल रहे हैं, गर्ल्स झूला झूल रहे हैं, और छोटे बच्चे लोग सब साइकिलिंग कर रहे हैं। साइकिल्स भी हैं यहाँ पर, 4-4 साइकिल्स है जो कि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं साइकिल, और ये लोग तो अपना खेल में ही लगे हैं। क्योंकि अभी यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है ना, सिर्फ एंजॉय ही एंजॉय करना है। हम लोग के साथ बावर्ची आ गए हैं, तो बावर्ची सब पका लेंगे, हम लोग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये देखिए मेरी सिस्टर भी आ गए हैं जो कि वहाँ करीब में रहते हैं, मेरी खलेरी बहन है जो कि अभी आए हैं वो। और ये है इसका व्यू, कितना बड़ा है देख सकते हैं आप, गार्डन माशाल्लाह से बहुत बड़ा है, और ट्री वगैरह बहुत अच्छे हैं, और ये सिटिंग के लिए भी गार्डन में बहुत अच्छा बनाए हैं। ये है इधर से उधर साइड का व्यू, ये देखिए साइकिल, माशाल्लाह ग्राउंड भी बहुत अच्छा है और बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं। ये देखिए वो वाला जो है वहाँ पर है एक बेडरूम, और लॉन्ग बहुत बड़ा हॉल है यहाँ पर, किचन भी है उसमें, और किचन में भी सब कुछ अवेलेबल है, गैस सिलेंडर, मिक्सर ग्राइंडर,
और कुछ कुछ भगोने वगैरह है और बॉल्स है, प्लेट्स है। ये दो दो गेट्स है, यहाँ पर भी एक गेट है, उधर साइड पर भी एक गेट है जहाँ से हम एंटर हुए थे। और ये देखिए सब शुरू हो गए साइकिल लेकर, बड़े छोटे सब साइकिल चला रहे हैं, सबको एंजॉय करना है। ये देखिए आयान और ये देखिए शाइस्ता भी आ रहे हैं साइकिल चलाते हुए। माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है जो, तो यहाँ बच्चों को सब्र ही नहीं हो रहा था कि कब जाए पूल में बोलकर, और ये लोग नाश्ता भी नहीं कर रहे हैं और पूल में चले गए हैं सब लोग। मैं नाश्ता करूँगी उसके बाद पूल में जाएंगे हम लोग। ये सिर्फ आधे लोग हैं और आधे लोग सब बाहर है, और हम लोग सब सामान लेकर आए थे, हम लोग को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये सब यहाँ रहेगा बोलकर, तो यहाँ पर सामान सारा अवेलेबल है। ओ ऐसा देखिए कैसे जंप कर रहे हैं। और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, जब हम लोग पानी में खेल रहे हैं बच्चे सारे, तो बारिश भी हो रही है। अब नजर देखो सुनो, पाँच मिनट इसके बाद निकाल लेते सबको। थोड़ा बड़ा वाला पुल मिल जाता हम लोग को तो बहुत मज़ा आता था। और ऐसा रैदा भी देखिए किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। तमन्ना तो खाना खा रहे थे, तो अभी तमन्ना भी आएंगे। देखिए एक एक कर कर सब ज्वाइन होते जा रहे हैं पुल में। और ये रहे मेरे तैमी और तैहरी बहन, और उनकी एक छोटी लड़की है जो कि वो भी पानी में बहुत खेल रही है। और देखिए तमन्ना आ गए, अभी तमन्ना भी पानी में उतरने के लिए डर रहे हैं थोड़ा। और ये देखिए बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाएंगे जब, कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी ये वीकेंड रहने से हम लोग को थोड़ा लेट हो गया था बुकिंग करने में, और दूसरे वाले सारे बहुत सारे देखे थे हम लोग, लेकिन वो सारे बुक हो गए थे। वीकेंड भी था 14 अगस्त 15 अगस्त, और ये व्लॉग डालने में थोड़ा सा लेट हो गया है मुझे, क्योंकि सब लोग घर पर थे तो एडिटिंग के लिए, और टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट गया है ये व्लॉग आ रहा है। मुझे आप लोग के साथ ये मोमेंट शेयर करना था, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ लेट होने के बावजूद, क्योंकि ये मोमेंट्स देख के एंजॉय कर सकते हैं सब लोग, और आप लोग भी
ऐसे मोमेंट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये मोमेंट्स होते हैं जो बहुत याद आते हैं, हमेशा यादगार बनकर रहते हैं, सब लोग इस तरह से इंजॉय करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग सब कितना कुछ पानी में खेल के एंजॉय कर रहे हैं, तो कुछ खाली ठहर कर देख कर ही एंजॉय कर रहे हैं। मेरी तो बहुत ख्वाहिश रहती है कि सब मिलकर ऐसे बार बार जाएं और एंजॉय करें ऐसा, और सबको पता होता है कि सब साथ में मिलकर जाने पर एंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी कोई टाइम निकाल कर निकलता नहीं है घरों से। तो मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ कि आप सब भी अपनी अपनी फैमिलीज के साथ ऐसे ट्रिप्स बनाइए और जाकर एंजॉय करिए, क्योंकि ये मोमेंट्स ही है। और ये देखिए तमन्ना पानी नहा के बाहर भी हो गए। और ये देखिए मलिहा यहाँ पर है। जंप कर रही थी, नहीं करो फिर से। ये देखिए ऐसा जंप करने जा रहे हैं। ये दो पैरों से नहीं उठ रही। अभी सब निकल गए हैं पुल से, सब चले गए हैं खेल खेल कर थक कर। अभी हम लोग भी जाएंगे, क्योंकि वन बाय वन सब कवर के नीचे ठहर रहे हैं ना, तो इसीलिए अभी सबका हो गया है, तो अब हम लोग जाएंगे। टाइम भी बहुत ले लिया है हमने, 5:30-6 बजने आ गए हैं, तो अभी हम लोग को रेडी भी होना है। इंशाल्लाह मैं आगे की वीडियो आप लोग के साथ आगे दूसरे पार्ट में शेयर करूंगी, क्योंकि अभी इसमें शेयर करूंगी तो बहुत लॉन्ग हो जाएगी।